अखिल भारतीय बलाई महासंघ द्वारा इंदौर के मोनी बाबा आश्रम में समाज को एक करने के उद्देश्य से 17 उपजातियों को एक साथ ही एक ही मंच पर लाने का प्रयास किया गया। इंदौर के मोनी बाबा आश्रम में भी अखिल भारतीय बलाई महासंघ द्वारा 17 उपजातियों को एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया, जिसमें बलाई समाज के समस्त जनसैलाब इकट्ठा हुए। एक तरह से यह शक्ति प्रदर्शन भी माना जा सकता है। आगामी दिनों में चुनाव नजदीक होने के चलते बलाई समाज के मनोज परमार का कहना है कि कोई सी भी पार्टी हो, उन्हें बलाई समाज को 16 सीटें देना हो तो बलाई समाज उनका समर्थन करेगा। हालांकि मनोज परमार ने यह तक कह दिया कि यदि कोई भी पार्टी उनकी बात नहीं मानती है तो वह निर्दलीय भी उतर सकते हैं। हमारा समाज आदिकाल से बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक हमारा समाज बहुजन समाज के रूप में एक बहुत बड़ी शक्तिशाली तो था, बाकी किंतु एकजुटता नहीं थी। और आज अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वाधान में बलाई समाज की जो 17 उपजातियां हैं वे सब भी यहां पर उपस्थित है, उसका यह शक्ति प्रदर्शन भी है। ताकि हम यह चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो 35 अनुसूचित जाति जनजाति की अनुसूचित जाति की सीटें हैं उसमें हमारी 16 ऐसी सीटें हैं जिसमें बलाई समाज के बाहुल्य के कारण आरक्षित की गई है। तो ऐसी 16 सीटों पर हम राष्ट्रीय नेतृत्व से हमारे समाज के युवाओं का प्रतिनिधित्व मांग करते हैं। इस उद्देश्य से, इस लक्ष्य से इस आयोजन को हमने सार गर्भित किया है। और यदि अगर कोई भी पार्टी हमारे समाज को नजरअंदाज करती है तो उसके गंभीर परिणाम पार्टी को भुगतने होंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सामाजिक स्तर पर चुनाव प्रचार प्रसार में प्रतिनिधि उतरना शुरू हो गए। इसका एक उदाहरण रविवार को बलाई समाज के कार्यक्रम में देखने को मिला, जहां बलाई समाज के नेतृत्व कर्ता मनोज परमार ने घोषणा कर दी कि आगामी विधानसभा चुनाव में बलाई समाज उसी का सहयोग करेगा जो बलाई समाज की 16 सीटें विधानसभा चुनावों में देगा। अब देखना होगा कि चुनाव का रंग कितना चढ़ता है।